तो ये जो कोचिंग है बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम मीन्स बाई लैंग्वेज में होगा। जो भी कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा वो कंटेंट जो भी रिटर्न फॉर्म में होंगे वो इंग्लिश में होंगे, है ना। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने की जो थिंग्स होंगे, है ना, आई विल प्रोवाइड इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगी, दोनों मोड पे अवेलेबल होंगी, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गुड अनाउंसमेंट है, फ्री क्लासेस फॉर ऑल दिव्यांग स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एड्रेस आप लोग को पता है ना, कंचनगंगा फेस 2 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर में आपका यहाँ पर यूजीसी नेट की टू सक्सेस सेंटर है, वहाँ से ये क्लासेस जो है वो संचालित होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आप लोग को यूजीसी नेट की टू सक्सेस जो कोचिंग सेंटर है ना, वो पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ का एक उभरता हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो जिसकी अगर अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो अचीवमेंट आप देखेंगे इतने सारे आप फोटोज यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लाइब्रेरियन हैं, सभी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ऐसे बहुत सारे लार्ज स्केल में जो सिलेक्शन है वो इस कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, है ना। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो यूजीसी नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस इंस्टीट्यूट के की टू सक्सेस इंस्टीट्यूट के 92 स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बने, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरियन एंड 6 स्टूडेंट जो हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और अगर यूजीसी नेट की बात करें तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, नवंबर 2021 में 25 स्टूडेंट्स, जून में 20 स्टूडेंट्स एंड जुलाई में 19 स्टूडेंट्स। इसी प्रकार जो सीजी सेट जो क्वालिफाइड हैं उसमें भी अबाउट 150 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड सीजी सेट एग्जामिनेशन। चलिए नौ, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सागर कुमार रजक है, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में, एंड आई हैव क्वालिफाइड 5 टाइम्स यूजीसी नेट एंड आईसीआर नेट एग्जामिनेशन। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड जेएनयू डीयू आईएससी बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम एंड तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट एग्जाम एंड अपीयर इन इंटरव्यू। एंड आई हैव आल्सो 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंटल साइंस इन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, है ना। और ये एक्सपीरियंस जो है मेरे क्लास में जो पढ़ाऊंगा जो मैं उसमें आप लोग को दिखेगा, है ना, कि कैसे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड 3 बैच फॉर यूजीसी नेट गेट एंड आईसीआर नेट एग्जामिनेशन फॉर एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, मेरी जो लेक्चर होगी वो टोटली अगर आप बात करेंगे वो फ्यूज्ड विथ मेमोरी ट्रिक्स होंगी, है ना, जो आप लोग को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में मददगार होगी। ठीक, वो आप लोग जब क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे, आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे, है ना। और जो ये सेशन होगा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत ही इंटरेक्टिंग सेशन होगा, आप लोग को इतना इंजॉय करने का मौका मिलेगा इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने में और क्लासेस को समझने में और एक एक जो कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगा ई से और टी तक, है ना, ई से लेकर के टी तक, समझ लो ए से लेकर के जेड तक तो नहीं पॉसिबल है किसी भी चीज़ों को जानना, बट मैं 80 to 90% जो कंटेंट होंगे सब्जेक्ट के वो मैं आप लोग को क्लास में ही याद करा दूंगा। क्लियर है? ठीक, तो दीज आर माय सम स्टूडेंट्स हु आर क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड वर्किंग इन इंडिया इन वेरियस इंस्टीट्यूट। और की टू सक्सेस के बारे में तो मैंने बता ही दिया है पहले ही कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी कोचिंग के लिए सेंट्रल इंडिया में। चलिए, तो लेट्स, मेरी जो क्लासेस होंगी, है ना, वो बेस्ड होगी लेट्स रिवाइज। ठीक है, लेट्स रिवाइज मींस क्या है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, लर्न करने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, परमानेंट मेमोराइज हो जाएगा आपके मेमोरी में, जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा आप लोग को बताया जाएगा वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मुँह ज़ुबानी याद रहेंगे, ये देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थर्ड लेट्स रिवाइज। ठीक है, मैं जो भी क्लासेस लूँगा, है ना, उसमें आप लोग 3 चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट स्पेशली आपको देखने मिलेगी। पहले तो आप लर्न बहुत ज़्यादा करेंगे, चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, तब जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। तो पहले हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, और फिर उन चीज़ों को, है ना, 80 to 90% हम पूरे अपने माइंड में उसको क्या करेंगे, मेमोराइज करके रखेंगे। चलिए, है ना, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी एमएससी कर रहे हैं, है ना, या एमएससी पास आउट है, उन लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो लोग वो के बारे जिन लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट उस उन लोगों के लिए भी है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो देखो, आप लोगों को पता है यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, है ना, इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 आप लोगों को सभी पता है, इसमें एप्टीट्यूड्स की क्लास होती है, है ना, एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, है, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो वो आप लोग के लिए सेपरेट क्लास होगी, यहाँ पर उसकी क्लासेस होती हैं, है ना। हम लोग फोकस करेंगे पेपर 2 में, जो कि क्या होती है आपकी सब्जेक्टिव, है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस। क्लियर है? ठीक, तो आपको पता है पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। एंड पेपर टू में होते हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। तो इस प्रकार टोटल 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से आते हैं, है ना, 50 × 2। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं, है ना, 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर वन से आते हैं। क्लियर है, यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट का आपको कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या सिलेबस है, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कैसे कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, वो सारे यूनिट्स के बारे में हम लोग डील करेंगे वन बाई वन। तो बिफोर स्टार्ट सिलेबस, फर्स्ट आई विल टॉक टू UGC नेट दिसंबर 2021 रिजल्ट। क्लियर है, है ना, जिसमें हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि कैसा कट ऑफ आता है UGC नेट के एग्जाम में, है ना। हम लोग सिलेबस देखने से पहले ये देखते हैं कि किस प्रकार के जो कट ऑफ हैं जो एग्जाम में देखे जाते हैं। तो एग्जाम जो कट ऑफ है, अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, से अनरिजर्व की 188 मार्क्स, ठीक है, EWS में 174, OBC में आप देख रहे हैं 176। ये जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, इस ईयर जो भी UGC नेट का जो एग्ज़ाम आया था उसका जो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज लेवल में आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, ठीक है। इससे ये दिखता है कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, और अभी आप एग्जाम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं UGC नेट तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये तो आप लोग को वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। नाउ डिस्कस टू स्कोप एंड करियर फॉर UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस में, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या क्या आपका स्कोप होगा और कैसा आपका करियर बनेगा, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले बात है ये, अगर इन्वायरमेंटल साइंस में नेट क्वालिफाई करते हैं तो IIT, IISc, NIT, ISER, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप PhD कर सकते हैं, और इस PhD में आपको PhD कर सकते हैं, दो मिनट, PhD कर सकते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर आपको जो स्टाइफन मिलेगी वो अबाउट 30,000 से 40,000 रुपीज़ आपको क्या मिलती है, मंथली आपकी सैलरी बनती है यहाँ पर, अगर आप IIT, ISC, NIT, ISER, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अगर आप PhD करते हैं तो आपको 40,000 से 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, है ना। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है और डायरेक्टली आप जो रिक्रूटमेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो या अदर स्टेट्स के हों। नेक्स्ट है गेस्ट फैकल्टी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी भी, गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में आप अपने आप मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी आप पढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे कि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं वो भी रविशंकर यूनिवर्सिटी में है गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहे हैं, जैसे सुधीर, डोमेंद्र, है ना, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप साइंटिस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, है ना, बहुत सारे जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में व्यापम के थ्रू साइंटिस्ट के एग्जाम के लिए भी हुआ है, है ना। तो वैसे आप साइंटिस्ट के एग्जाम के लिए भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लाइक, है ना, MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, MOFCC, है ना, वैसे जितने भी स्टेट वाले बोर्ड हैं, जितने भी CPCB हो गए, है ना, SPCB हो गए, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, या अगर आप बात करेंगे जितने भी सेंट्रल और इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पर रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी पैकेजेस होती हैं, 20K to 60K के आसपास वहाँ पर भी पैकेजेस आपको मिलती है, है ना। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की बात करें, है ना, तो इन्वायरमेंट अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की जॉब के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, है ना। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट जो स्पेशली EIA रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना। आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट के पोस्ट के लिए अवेलेबल एप्लीकेबल हैं, आपको पता होगा हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है, हमारा स्टेट जो है वो भी मिनरल रिच स्टेट है, तो यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, NMDC, NTPC, सेल, गेल, भेल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर हाल में बात करूँ तो नगरनार में, है ना, नगरनार में भी एक वैकेंसी ओपन हुई है, नगरनार आप बस्तर एरिया में आप ये पढ़ता है बस्तर में, ठीक है, तो नगरनार में भी है और यहाँ पर अच्छी सैलरी आपको मिलेगी 20 से 25K, बस आपको MSc इन्वायरमेंटल साइंस पास आउट है वो, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई है तो आपका जो सैलरी है वहाँ पर इजीली बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में नेट क्वालिफाई करते हैं, है ना। PSU की तो मैंने डिस्कस कर लिया कि जितने भी, है ना, बड़े बड़े महारत्न और नवरत्न कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। चलिए गुड न्यूज़ फॉर MP एंड छत्तीसगढ़ स्टूडेंट ऑफ, आप लोग को पता है UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस का जो नेट का ऑफिशियल जो सिलेबस है, कोड है आपका 89,
है ना। और दिस सिलेबस कंटेन्स 10 यूनिट है ना। अभी 10 यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स हैं और कैसे कैसे हैं ये हम लोग देखेंगे। 10 यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट है आपका फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पर हम लोग बेसिक फंडामेंटल अप्रोच जो है एनवायरमेंटल साइंस के उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे हम लोग कि व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट में, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड हाउ बोथ कंपोनेंट्स आर इंटरैक्टिंग टू ईच अदर एंड फॉर्म इकोसिस्टम। इन ऑल इन्फॉर्मेशन को हम लोग इन यूनिट वन में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड है यूनिट टू में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के लिए। मैं लेटर डिस्कस करूँगा अभी। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, है ना। तो एयर, वाटर और सॉइल बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, इनके बारे में हम लोग डील करते हैं कि व्हाट इज अबाउट एयर केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री एंड सॉइल केमिस्ट्री। ये तीनों के जो टॉपिक हैं इनके बारे में हम डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट थ्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आगे स्लाइड्स में। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल जियोसाइंस। इसमें हम लोग कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, क्या क्या जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है अर्थ के, एंड हाउ इट इज़ अ बेनिफिटेड टू इन्वायरमेंट, है ना, वो कैसे हम उन जियोसाइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी के जो सब्जेक्ट है उसको हम लिंक करके इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। आप लोगों को पता होगा एनर्जी की इतनी क्राइसिस चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यू इनिशिएटिव ले रही है ना, सोलर पावर प्लांट, जितने भी बायो डीजल है ना, जो बायो एनर्जी है उस पर फोकस कर रही है। तो उससे रिलेटेड कुछ करंट इशूज जो हैं वो हम लोग साथ ही साथ सारे इन यूनिट्स में हम लोग डील करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं डील करूँगा सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट। यहाँ पर देखो आप जो सिलेबस है बहुत सारे टॉपिक्स जो होंगे आपके वो सिमिलर होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप जो एयर, वाटर एंड सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है, सिमिलर वही चीज़ आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे, सॉइल, एयर एंड वाटर। उसके बाद सॉलिड एंड वेस्ट हैजार्डस में भी वही सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। तो ऐसे मिक्सअप टॉपिक होते हैं, तो उन टॉपिक को ऐसे मैं सेग्रीगेट करके ऐसा मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आप लोग को कि आप लोग का एक बार में ही नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़िया एक्सप्लोर कीजिए, विथ मी आप लोग का नेट क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट एट जो है उसमें है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, वो फर्स्ट है आपका EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सेकेंड है इन्वायरमेंटल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पूरे सिलेबस का, है ना, क्योंकि यहाँ से जो अभी हम लोग जो करियर की बात करते हैं और ये टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है EIA से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे नेट के एग्जाम में, वी विल डिस्कस इन लेटर। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ यूनिट, वो है स्टैटिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, है ना। यहाँ पर आप स्टैटिकल अप्रोच जैसे कि आप लोग जितने भी टेस्ट जानते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है, उसके बारे में हम लोग, है ना, इस यूनिट में हम पढ़ते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इशूज। आप लोग को मैं बता दूँ UGC नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑल द टॉपिक्स वो सारे के सारे लिंक करते हैं यूनिट 10 से। कैसे, जैसे कि अगर इन्वायरमेंटल साइंस अगर हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल में हम लोग जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, है ना, कॉप जो मीटिंग होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जितने भी मीटिंग होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो करंट अभी इशू होता है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे यूनिट्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे लिंक करते हुए इन सभी यूनिट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर। अगर मैं बात करूं लास्ट 2018 से, है ना, 2020 तक कैसा पैटर्न रहा है इन सभी 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस का एग्जाम में, चलिए देखते हैं। अगर आप बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की, तो वहां पर से 18 में देखिए आप लोग 20 क्वेश्चन आए हैं, दिसंबर में 22, देन जून में 18, दिसंबर में 20, उसके बाद 2020 में देखिए आप लोग 8 क्वेश्चन, फिर 20
वन में 6 क्वेश्चन बसाए यहाँ से, उसके बाद 22 में देखेंगे फिर से अगेन ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, बढ़ गया, 20 हो गया एवरेज। सिमिलरली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, अगर 18 में बात करें तो पहले इसका वेटेज ज़्यादा हुआ करता था, देखो फिर समटाइम्स बीच में कभी बढ़ा हुआ है फिर कम हुआ है, तो लास्ट ईयर ओनली 6 क्वेश्चन यहाँ पर से आए थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से।